फातिहा। था खुदा से खौफ मोहम्मद से
कुछ हैजाम न था, गुजर गए थे कई दिन के घर में आम न था। गजब की जाह के दरबार में सताम गर के, गजब की जाह के दरबार में सताम गर के, खड़ी थी बिनते अली और कुछ है जाम न था। अरे खड़ी थी बिनते अली और कुछ है जाम न था, गुजर गए थे कई दिन के घर में आम न था। मगर हुसैन से साबिर को इस तरह न था, गुजर गए थे कई दिन। एक सूरह फातिहा की दरखास्त है जनाब सैयद नसीर हसन इब्ने सैयद कादिर हसन मरहूम। सूरह अलहम्द और तीन मरतबा सूरह तौहीद यानी सूरह खल्क़ अल्लाह की तिलावत फरमा कर मरहूम व मग़फ़ूर जनाब सैयद नसीर हसन रिज़वी इब्ने सैयद क़दीर हसन रिज़वी की रूह को ईसा फरमा लीजिए। لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين वस्सलातु वस्सलाम वत्तहियतु वलिकराम अला सैयदिल अंबिया वल मुरसलीन मौलाना अबिल कासिम मुहम्मद वालिह तय्यबीन ताहिरीन المعصومين المظلومين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى صباح يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام مؤمنين الكرام وناظرين ذوي الاحترام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته। ये मजलिस सिवम जिसे मजलिस ज़ियारत भी कहा जाता है, एक ऐसे मोहतरम मुकर्रम इंसान के लिए बरगुजार की जा रही है कि जो एक बहुत ही
उम्दा इंसान के साथ साथ एक अच्छे सोस खान भी थे और मेरी बहुत सी मजलिसों से पहले उन्होंने सोस खानी की है। रौनक फर्शियाजा थे और जाकिरीन और शुरा को वो दाद दिया करते थे, उनकी हौसला अफजाई किया करते थे, उन्हें इनकरेज किया करते थे, ये उनकी खासियत थी। जाती तौर पे हम सब के लिए उनका दुनिया से जाना एक बहुत बड़ा नुकसान है। जो लोग परसों कब्रिस्तान में जन्नताबाद कब्रिस्तान में उनके जनाजे में शरीक हुए, मैं मरहूम के वारिसों की जानिब से बिलखुसूस उनकी अहलिया की जानिब से उन तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इनके बच्चों के गम को अपनी शिरकत के जरिए से कम किया, हल्का किया। क्योंकि मजलिस ईसाले सवाब है, एक मरहूम की मजलिस है, लिहाजा मजलिस की मुनासिबत को सामने रखते हुए आज पूरी मजलिस इसी मौजू पर आपकी खिदमत में पेश करूंगा। याद रखिए मोमिनीन, हम सब इस दुनिया में आए हैं और ये सब जानते भी हैं कि किसी को यहां पर परमानेंट रहना नहीं है, लेकिन एक सवाल है कि तीन बातें जहन में इंसान के आती हैं और वो ये है कि हम कहां से आए हैं और हम कहां हैं और हमें कहां जाना है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये तीन सवाल बहुत ही अहम हैं। हम कहां से आए हैं, कहां हैं और कहां जाना है। अगर हमने इन तीनों सवाल का जवाब हम आसानी से दे पा रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि हम एक कामयाब इंसान हैं। याद रखिए कामयाबी की वो अलामत, वो पहचान जो हम बताते हैं वो और है, लेकिन सच्ची कामयाबी, हकीकी कामयाबी वो है जो हमें इस्लाम ने बताया है। मौलाए कायनात को इतने एजाज मिले, काबे में पैदा हुए, फातह खैबर खंदक बने, फातिमा जहरा के शौहर बने, पैगंबर के बिस्तर पे शब हिजरत सोए, गदीर में मोमिनीन के मौला बने, लेकिन इन तमाम चीजों को मौलाए मुत्तकियान ने कामयाबी से ताबीर नहीं किया, बल्कि जब आपके सर पे जरबत लगी है और आप जब दुनिया से जाने लगे तो आपने कहा फुस्तो व रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। यानी जब जाने लगे इस दुनिया से तो आपने ऐलान किया। तो मोमिन वो है जिसको कामयाबी के लिए एक मिलाक, एक मेयार बनाना है। हम कहां से आए हैं, हम सब जानते हैं कि आलमे अरवाह से आए हैं। कहां पर हैं, आलमे अजसाम में हैं। ये दुनिया जिस्म की जमा अजसाम है, जिस्म सिंगुलर है और अजसाम प्लुरल है। आलमे अजसाम हम इस दुनिया में हैं, आलमे अरवाह इसके पहले जहां पर हम थे, जहां पर हमारी रूहें थीं, और अब जहां जाएंगे वो आलम बरज़ख है। अब सवाल यह है
कि हम जो कर रहे हैं इस दुनिया में, जो हम कर रहे हैं, क्या उसका सवाब या उसकी सजा हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी। तवज्जो कीजिए, शायद कोई बात मैं आपकी खिदमत में पेश कर सकूं। आज की मजलिस बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही अहम है। मेरी गुजारिश तमाम मोमिनीन से और मोमिनात से है जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं, इंशाअल्लाह पूरी तवज्जो के साथ इस मजलिस को समाप्त फरमाएंगे। आप ही के लिए ये मजलिस पढ़ी जा रही है और इसमें एक बहुत ही खूबसूरत एक पैगाम है जो मजलिस के आखिर में आपकी खिदमत में मैं पेश करूंगा, वो पैगाम दूंगा। हम जो कर रहे हैं उसका सवाब या उसकी सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी, एक सवाल है। हो सकता है कोई कहे कि साहब हम जो कर रहे हैं, ये जो कार्य खैर कर रहे हैं, ये जो इबादत कर रहे हैं, ये जो अच्छे काम कर रहे हैं, इसका कोई सवाब नहीं है, या जो बुराई कर रहे हैं उसका कोई अजाब या उसकी कोई सजा नहीं है। आसान जबान में कहा जाए, अगर जन्नत का तसव्वुर हमारे जहन में न हो और जहन्नम का ख्याल हमारी फिक्रों में न हो तो इसका असर क्या होगा, और अगर जन्नत और जहन्नम का ख्याल हमारे जहनों में हो तो इसका असर क्या होगा। बहुत तवज्जो करेंगे अजीजों, याद रखिएगा फितरत इंसानी ये है कि जब वो कोई अच्छा काम करता है तो उसकी ख्वाहिश ये होती है कि उसको उसका बदला मिले, ये इंसान की फितरत है। और ये भी फितरत है कि अगर वो कोई बुरा काम करने का इरादा कर रहा है और उसके जहन में ये बात आ जाए कि अगर हम ये करेंगे तो हमें सजा मिलेगी। मैं एक मिसाल देता हूं, मिसाल के तौर पे मैं कार लेकर जा रहा हूं और सिग्नल नहीं है, यानी रेड लाइट जल रही है, और हमें मालूम हो, हमें यकीन हो कि अगर हम इस सिग्नल को क्रॉस करेंगे तो आगे ट्रैफिक पुलिस वाला चालान करेगा, वो खड़ा हुआ है, तो इंसाफ से बताइए कि क्या हम उसके बाद भी अपनी कार लेकर आगे जाएंगे? नहीं जाएंगे। क्यों? इसलिए नहीं जाएंगे कि हमें इसकी सजा मिलेगी। तो सजा की बुनियाद पर इंसान बुराइयों से रुकता है और जजा की बुनियाद पर, सवाब की बुनियाद पर उसे कार्य खैर करने का हौसला मिलता है। अल्लाह ने जन्नत और जहन्नम जो है इसीलिए बनाई है ताकि इंसान को जो कार्य खैर करना चाह रहा है उसकी हौसला अफजाई हो सके, और खुदा न खास्ता, हजार खुदा न खास्ता अगर कोई बुराई करना चाहता है, गलत काम करना चाहता है, जुर्म करना चाहता है तो उसे एहसास हो कि हमको यहां के बाद वहां जाना है जहां जहन्नम की आग में हमें जलना है। उलाइका असहाबुन नारे हुम फीहा खालिदून, जो लोग जहन्नम में जाएंगे वो जहन्नम में हमेशा रहेंगे। इसलिए समझदार बाप अपने बच्चों को आजाद नहीं छोड़ता है, बल्कि अगर अच्छा काम करता है तो वो उसकी तारीफ करता है। मैंने देखा है ऐसे लोगों को कि मसलन एक बाप अपने बेटे से कहता है तुम अगर इस मर्तबा हाई स्कूल में 90+ लेकर आए, तुम्हारे मार्क्स, तुम्हारे नंबर 90+ हुए तो मैं तुम्हें एक बेहतरीन मोबाइल दूंगा। इसका असर बच्चे की जिंदगी में पड़ता नहीं पड़ता है। और अगर तुम इम्तिहान में फेल हो गए तो याद रखो कि तुम्हें सजा मिलेगी। नतीजा क्या होता है? बच्चा मेहनत करता है, इम्तिहान के लिए आमादा होता है। याद रखिए अजीजों, हम सब जो है इम्तिहान गाह में बैठे हुए हैं, यहां पर एग्जाम होता है,
उसे आप इम्तिहान का कहते हैं नहीं कहते हैं। ये दुनिया हमारे लिए इम्तिहान की एक जगह है, ये इम्तिहान का हाल है जहां पर हम बैठे हुए हैं। हमें यहां पर इम्तिहान देना है और उसके बाद कहां जाना है, उस खुदा के पास जो कहता है मालिक यौमिद्दीन, रोजे कयामत का मैं मालिक हूं। परवरदिगार जब वहां पर हम जाएंगे तो वो हमको हमारा रिजल्ट दिखाएगा। इम्तिहान यहां दे रहे हैं लेकिन नतीजा कहां मिलेगा, रिजल्ट कहां मिलेगा, आलम आखरत में। वहां पर हमारा पर्चा जो है, जो हमने यहां पर भरा था, हम उसका रिजल्ट देखेंगे। मालिक यौमिद्दीन, खुदा कयामत के दिन का मालिक, अल्लाहु अकबर। जरा गौर करें कुरान क्या कहता है, जब पूरी आलम इंसानियत, दुनिया है इंसानियत, उस जगह पर जमा हो जाएगी जिसे मैदान महशर कहते हैं। इंसाफ से बताइए कि इस वक्त 7 अरब से ज्यादा की आबादी है, अगर सारे इंसान इस जमाने के जमा किए जाएं तो उसके लिए कितनी बड़ी जगह की जरूरत है, आप तसव्वुर कर रहे हैं, है ना। लेकिन जब कयामत आएगी तो फकत इस जमाने के इंसान तो नहीं होंगे, आदम से लेकर कयामत तक जितने भी इंसान अब तक पैदा हुए हैं वो सब के सब उस मैदान में जमा किए जाएंगे। अब आप तसव्वुर कीजिए कितना बड़ा मैदान होगा, उस मैदान के अंदर जब कयामत आएगी ये सारे के सारे इंसान होंगे, उसमें नमरूद भी होगा, फिरौन भी होगा, हामान भी होगा, शद्दाद भी होगा, अबू लहब भी होगा, अबू जहल भी होगा, अबू सुफियान भी होगा, यजीद भी होगा, ये सारे के सारे जालिम वहां पर मौजूद होंगे। और एक आवाज आएगी, कुरान कहता है लिमनिल मुल्क अल्योम, आज आज किसकी हुकूमत है, ये परवरदिगार जो है, जो मालिक यौमिद्दीन है, जो कयामत के दिन का मालिक है, वो आवाज देगा लिमनिल मुल्क अल्योम, आज आज किसकी हुकूमत है, आज किसकी हुकूमत है। ये सवाल किससे होगा, ये दरहकीकत उन लोगों से सवाल होगा जिनको दुनिया में अल्लाह ने इख्तियार दे दिया था, मुख्तार बनाकर पैदा किया था, तो उन्होंने अपने इख्तियार का गलत इस्तेमाल किया और खुद को खुदा समझने लगे। फिरौन ने खुद को खुदा समझा या नहीं समझा, अल्लाह की जगह पर आ गए। अल्लाह कहेगा ठीक है तुम्हारी हुकूमत थी, तुम कुछ दिन के लिए अकड़ गए थे, अब बताओ लिमनिल मुल्क अल्यौम, आज किसकी हुकूमत है। कोई जवाब नहीं आएगा, खामोशी रहेगी। इतना बड़ा मैदान, कोई ये नहीं कहेगा कि हमारी हुकूमत है, सब खामोश रहेंगे। तो फिर खुद अल्लाह आवाज देगा लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, उस अल्लाह की हुकूमत है जो वाहिद है, अकेला है, तन्हा है, यकता है और कहर नाजिल करने वाला है। परवरदिगार ने अपनी ये सिफत, अपनी ये क्वालिटी वाहिद एक होने की क्यों बयान की है, क्यों, इसलिए कि परवरदिगार बताना चाहता है आज सिर्फ मेरी हुकूमत होगी। तुमने दुनिया में बहुत से खुदा बना रखे थे, ऐसे लोग भी हैं ना, लेकिन आज तौहीद महज तुम्हें देखने को मिलेगी। आज तुम्हें प्योर वननेस ऑफ गॉड तुम्हें एहसास करने को मिलेगा। ये क्या है, ये क्या है, परवरदिगार वाहिद कह रहा है, बता रहा है कि अब फिरौन यहां पर नजर नहीं आएगा, अब नमरूद की हुकूमत यहां पर नहीं होगी, अब डुप्लीकेट और जाली और नकली खुदा यहां पर तुम्हें जो है हाकिम के तौर पे दिखाई नहीं देंगे। और उसके बाद क्या, कहार, ये नहीं कहा, कहार यानी कहर नाजिल करने वाला, अजाब नाजिल करने वाला। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि लिल्लाहिल वाहिदिर रहमान, आज इस अल्लाह की हुकूमत है जो रहमान है, जो रहीम है, जो गफूर है,
नहीं कहा, बल्कि कहा कहार, यानी तुमने अब तक जो है हमारे रहम को देखा था, हमारे कर्म को देखा था, हमारी मेहरबानी को देखा था, हमारे फजल को देखा था, अब हमारे कहर को भी देखो। तो यहां से वहां जो हम जाएंगे अजीजों, वो मरहला बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, लिहाजा वहां के लिए यहां पर तैयारी करनी है। वहां पर सिर्फ हमें हमारा रिजल्ट दिखाया जाएगा, लेकिन हमें लिखना यहां पर है, इसलिए हम यहां से यहां पर जो कर रहे हैं हमें उसे वहां पर देखना है। लेकिन दुनिया और कयामत के बीच में भी एक आलम है, यह बहुत अहम बात है, इसे सुनिए, यह बहुत अहम बात है, और वो क्या है, आलम बरज़ख है, जो रूहों का आलम होगा। हमारी रूहें वहां पर मौजूद होंगी। हमारे जवान बहुत सवाल करते हैं कि मरने के बाद क्या होगा, हमारी रूहें कैसे रहेंगी। तो आइए इन्हें अर्ज किया, एक बहुत ही मोतबर और बहुत ही मोहतरम शायर सोस खान मुहिब अहले बैत के इसाले सवाब की मजलिस है। मैं चाहता हूं कि उनकी रूह और ज्यादा खुश हो जाए और उनकी कब्र और ज्यादा रोशन मुनव्वर हो, और इस मजलिस का सवाब जो है जो उनके वारिसीन ने की है इस मरहूम तक पहुंचे इस वाकये के जरिए से जो मैं पढ़ने जा रहा हूं। इंशाअल्लाह जवान इस वाकये को पूरी तवज्जो के साथ समाप्त फरमाएंगे। बहुत ही जाजिब है और जालिब है और दिलकश है ये वाकया के जिसे मैं अब पेश करने के लिए जा रहा हूं। अबू कल्लाबा एक बुजुर्ग इंसान है, इस वाकये का को नकल करने वाले आगा इश्तिहारदी हैं, उनकी किताब का नाम, मेरे पास ये किताब मौजूद है अभी भी मेरे पास है, इस किताब का नाम है आलम बरज़ख। इस किताब में आगा इश्तिहारदी लिखते हैं कि एक बुजुर्ग इनका नाम अबू कल्लाबा है, वो इस वाकये को नकल करते हैं, कहते हैं कि मेरा एक नेबर था, एक हमसाया था, एक पड़ोसी था, वो दुनिया से रुखसत हो गया। कुछ दिनों के बाद मैंने रात में ख्वाब देखा कि मैं आलम बरज़ख में हूं, और वहां पर बहुत से मोमिनीन की रूहें हैं, फरिश्ते उन्हें एक नूरानी सेनी में, एक नूरानी तबक में कुछ सवाब लाकर दे रहे हैं, और हर एक उस सवाब को देखकर बहुत ही खुश हो रहा है। अजीजों तवज्जो करेंगे, ये सवाब देखकर हर एक बहुत ही खुश हो रहा है, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। लेकिन मैंने एक अजीब चीज देखी कि हर एक तो खुश है, लेकिन जो मेरा हमसाया था, जो मेरा पड़ोसी था, उसके सामने कोई तबक नहीं है। मैं उसके करीब गया, उसने मुझे पहचान लिया, अबू कल्लाबा। मैंने उससे पूछा, ये बताओ कि तुम्हारे सामने ये नूरी तबक क्यों नहीं है। अब बात यह है कि ये जितने मोमिनीन हैं ना, इनके जो वारिसीन हैं, इनके जो बच्चे हैं, वो उनके लिए सवाब भेजते हैं, लेकिन मेरा एक ही बच्चा है, तुम तो जानते ही हो ना, मेरे हमसाया हो, पड़ोसी हो, एक बच्चा है, वो भी नालायक, और वो मुझे भूल चुका है, वो मुझे याद नहीं करता, वो मेरे लिए कारे खैर नहीं करता है, वो मेरे लिए कोई सवाब नहीं भेजता है। लिहाजा अबू कल्लाबा मेरी हालत इसलिए ऐसी हो गई है, मैं नींद से बेदार हुआ और मैंने कहा मैं अपने पड़ोसी के घर पे जाऊंगा। उस जवान के घर गया, दखल बाब किया, दरवाजा खटखटाया, लड़का बाहर निकला, कैसे आना हुआ अंकल,
का बात यह है कि मैंने कल एक ख्वाब देखा है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, मैंने ख्वाब देखा है और पूरा ख्वाब मिन्नो अन इस नाफरमान और नालायक बच्चे को पूरा ख्वाब बता दिया। बच्चे ने तौबा की और कहा कि मैं इस्तग़फ़ार करता हूँ, अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ, मैं खुद भी एक बेहतरीन इंसान बनूंगा और अपने वालिद के लिए इसाले सवाब करूंगा, उनके लिए कार्य खैर करूंगा, उनको सवाब भेजूंगा। मैंने तय कर लिया है। यहाँ तक कि उसमें एक इनकलाब आया, उसमें एक तब्दीली आई, एक मुस्बत तब्दीली, एक पॉजिटिव चेंज इस बच्चे में आया और उसने नमाज रोजा शुरू किया और अपने वालिद के लिए, अपने मरहूम वालिद के लिए कार्य खैर शुरू कर दिया। अबू कुल्लाबा कहते हैं कि कुछ दिन के बाद इत्तेफाक से मैंने फिर ख्वाब देखा। मैंने ख्वाब देखा तो उस ख्वाब में जो है मैंने क्या देखा कि मैं आलम अरवाह में हूँ, आलम बरज़ख में हूँ और हर एक के सामने जो मोमिन है इनके सामने कोई ना कोई नूरी तबक है। और जब मैंने करीब जाकर देखा तो मैंने देखा वो मेरा हमसाया जिसका फर्जंद पहले नालायक था अब लायक हो चुका है, उसके सामने मैंने देखा कि सबसे ज्यादा बड़ा नूरी तबक रखा हुआ है। मैं करीब गया तो उसने, मेरे हमसाये ने कहा अबू कुल्लाबा अबू कुल्लाबा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने हमारे फर्जंद को नसीहत की और हमारा फर्जंद जो है अब हमें इसाले सवाब कर रहा है, अब हमें सवाब भेज रहा है। और एक जुमला कहा, बहुत ही क़यामत का जुमला है, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। ये जुमला जो मैं पेश करने जा रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे सवाद कीजिएगा। वो हमसाया वो पड़ोसी कहता है अबू कुल्लाबा, अब मुझे अपने साथियों के सामने शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि हरेक के लिए अब तक सवाब आ रहा था, उनके अज्जा उनके रिश्तेदार उनके बच्चे सवाब भेज रहे थे, ये बेचारा सवाब से महरूम था तो इसे शर्मिंदगी का एहसास हो रहा था। हे अबू कुल्लाबा, अब मुझे शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अल्लाहु अकबर। आपने अंदाजा लगाया अजीजों के दो बातें हैं, एक तो उन्हें शर्मिंदगी और दूसरी बात ये कि हमारे मरहूमीन को एहसास होता है कि भेजने वाला कौन है। तभी तो कहा ना कि मेरा बेटा अब मुझे इसाले सवाब कर रहा है। और तीसरी बात जो बहुत ही अहम है वो ये है कि इसने जो है अबू कुल्लाबा को पहचान लिया। यानी क्या मकसद, रूहें हमारी जो हैं आलम बरज़ख में एक दूसरे को पहचानती हैं, उनमें एहसास पाया जाता है। इसलिए अजीजों बरज़ख का मामला जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए अइमे मासूमीन अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ हदीसों में यह इशारा किया है, मेरे चाहने वालों हम तुम्हारी शफाअत करेंगे लेकिन वो बरज़ख के बाद का जो मरहला होगा वहां पर शफाअत होगी, बरज़ख का इंतजाम तुम्हें खुद करके आना है, तुम्हें खुद आलम बरज़ख का इंतजाम करके आना है। इसलिए अजीजो ये बात नहायत ही इंपॉर्टेंट है, नहायत ही अहम है कि हमारे जवान इसकी तरफ तवज्जो दें, क्योंकि अगर वो अपने वालदैन के लिए इसाले सवाब नहीं करेंगे, अपने वालदैन के लिए अगर मजलिस नहीं करेंगे, अगर तमाम जवान ये सोच लें कि महीने में एक मजलिस
हम अपने वालिद के लिए करें अगर वो दीगर काम नहीं कर पा रहे हैं। तो याद रखिए कि इसमें उनको खुद इस दुनिया में फायदा मिलेगा। दलील सुनिए, दीदो दलील सुनिए, और वो ये है कि जब हम इधर से इसाले सवाब करते हैं तो हमारे इसाले सवाब के जवाब में उनकी तरफ से दुआ आती है। ये वन वे सिस्टम नहीं है, ये टू वे है। इधर से हम मजलिस का सवाब भेजते हैं, उधर से दुआए सलामती आती है। तो कितना खूबसूरत है ये अंदाज जिसे मैंने आपके सामने नकल किया है। बरज़ख का इंतजाम तुम्हें करना है, क़यामत में हम तुम्हारी शफाअत करेंगे। मन ज़ल्लज़ी यशफ़ौ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, शफाअत करेंगे हम, लेकिन ये शफाअत मैदाने महशर में होगी। बस अज़ीज़ो, आज जुमे का दिन भी है और आप सबको अभी नमाज जुमा में जाना है, लिहाजा मैं आपका ज्यादा वक्त लेना नहीं चाहता। एक मुहिब अहले बैत ये इसाले सवाब के लिए मजलिस है, ये वो चाहने वाला था अहले बैत का कि जैसे ही इमाम हुसैन का नाम आता था इनका दिल मुनकलिब हो जाता था। अल्लाह यही तो पहचान है मोमिन की कि नाम हुसैन आता है और दिल मुनकलिब हो जाता है। जनाब आदम के सामने यही हुआ था ना, जब अस्माए पंजतन उनके सामने पेश किए और जब नाम हुसैन आया है तो जनाब आदम रोने लगे। लिहाजा हुसैन के नाम के सामने, नाम के आते ही अगर तुम्हारा दिल मुनकलिब हो जाए, दिल टूट जाए, रंजीदा हो जाओ, तो समझ लो कि तुम आदम की सच्ची औलाद हो। अल्लाह इमाम हुसैन का नाम आया है, आज मैं तस्करा इसी हुसैन मज़लूम का करना चाहता हूँ। अज़ादारो, असर आशूर आई, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दर खैमा पर आए, बीबियों से रुख्सत हुए, एक एक बीबी को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने खुदा हाफिज़ी किया, यहाँ तक कि अपनी माँ की कनीज फिज़ा को भी मुखातब किया और आवाज दी, फिज़ा खुदा हाफिज़, ए फिज़ा तुम कितनी खुश नसीब हो कि हुसैन इब्ने अली तुम्हें माँ कहकर पुकार रहे हैं और तुम्हें माँ का दर्जा दे रहे हैं। अल्लाह हुसैन दर खैमा पर हैं, ज़ैनब उलिया मुकाम को सानिये जहरा सलामुल्लाह अलैहा को वसीयत करके जैसे ही दरवाजे दर खैमे के दर पे आए तो हुसैन ने नज़रा यमीनन व शुमाला, कभी दाहिनी जानिब देखा कभी बाई जानिब देखा, मौला या आप दाहिनी और बाई जानिब क्या देख रहे हैं? अजब नहीं हुसैन आवाज दे, जब मैं घोड़े पर सवार होता था तो एक तरफ से अली अकबर मुझे सवार करते थे, एक तरफ से अब्बास मुझे सवार करते थे। हाय हुसैन, इतना तनहा हो गया है, इतना अकेला हो गया कि हुसैन को कोई घोड़े पर सवार करने वाला नहीं है। अजब नहीं माँ जाई बहन निकल आई हो, ए भैया हुसैन अगर तुम्हें कोई घोड़े पर सवार करने वाला नहीं है, अगर अब्बास नहीं है, अगर अली अकबर नहीं है, तो ये ज़ैनब तो मौजूद है। अलगरस हुसैन घोड़े पर सवार हुए, हाँ आज़ादारो और जुलजना को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन हुसैन की ये सवारी आगे नहीं बढ़ रही है। हुसैन का दिल भर आया, एक जुमला कहा इमाम हुसैन ने कि ए हस्बे बावफा, मैं समझ रहा हूँ तू भी तो 3 दिन का भूखा और प्यासा है, सुबह से मुसलसल तू मक्तल में जा रहा है और वापस आ रहा है, तू भी थक गया है। अजब नहीं हुसैन ने कहा हो, अब हुसैन इसके बाद तुझे कोई जहमत न देगा, हुसैन को मक्तल में पहुंचा दे। अज़ादारो ज़बान होती तो कहता मौला आप मुझे आगे बढ़ने के लिए कहें, मेरी क्या मजाल है कि मैं आगे न बढ़ूं,
लेकिन मैं करूं तो क्या करूं। अब जानते हैं जुलजना ने क्या किया, अपनी गर्दन को अपने पैरों की तरह झुका दिया। वे जबाने बेजबानी से कम मौला, जरा मेरे पैरों की तरफ तो देखिए। अब जो हुसैन ने झुक के देखा तो क्या देखा, हुसैन के बच्ची सकीना पैरों को पकड़े हुए, जुलजना के पैरों को पकड़े हुए फरियाद कर रही है, ए मेरे बाबा की सवारी, मेरे बाबा को मख्तल में न ले जा। आपको किसी गम में ना रुलाए सिवाय मोहम्मद वाले मोहम्मद के गम के। अज़ादारो, इमाम हुसैन घोड़े से उतरे, सकीना को सहारा दिया, दिलासा दिया, और उसके बाद हुसैन मख्तल में गए। अज़ादारो, मख्तल में जाने के बाद हुसैन ने एक रजस पढ़ा और एक जुमला कहा, तुमने मेरे अब्बास को मार दिया, तुमने मेरे अली अकबर को कत्ल कर दिया, तलवार को निहाम से निकाला और चारों तरफ से हमला कर रहे हैं, हर तरफ हुसैन हमला कर रहे हैं और जबान बेफिक्रा ये है, तुमने मेरे साथियों को कत्ल कर दिया, अब आओ तीन दिन के प्यासे हुसैन की जंग देखो। अज़ादारो, एक मौका वो भी आया कि दुश्मनों ने चारों तरफ से हुसैन मज़लूम को घेर लिया। वो जुल्म हुआ कि जमीन करबला को जलजला आया, आसमान से खून की बारिश होने लगी। एक मुनादी ने निदा दी, अला कद क़त्ल अल हुसैन बे करबला, अला कद ज़ुबह अल हुसैन बे करबला, वसयालम अल्लज़ीन ज़लमू अय्यामुन क़लबिन यनक़लिबून, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। या अल्लाह, जो वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद के परवरदिगार, हमारे इस मुख्तसर मगर अहम आमाल को कबूल फरमा, जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो बीमार है उन्हें शफा इनायत फरमा, जो हज ज़ियारात के मुश्ताक हैं उन्हें हज ज़ियारात से मुशर्रफ फरमा, परचम इस्लाम को सरबुलंद फरमा, परचम कुफ्र व निफाक को सरनिगुं फरमा, जिस मरहूम के लिए मजलिस मुनक़िद की गई परवरदिगार उन्हें जवार मासूमीन में जगह इनायत फरमा, उनके दर्जात को बुलंद फरमा, हमारे इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हम सबको उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।